बचपन में या अभी भी आपके मन में एक बात आती होगी कि एक पूरे ट्रेन को बनाने में कितना खर्चा लगता है। 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, आखिर कितना एक पूरे ट्रेन को बनाने में। तो पहले ये जान लो कि दो तरह के ट्रेन कोचेज होते हैं और आप इनको बचपन से देखते आ रहे होगे। एक होता है ब्लू कोच और एक होता है रेड कोच, इसे टेक्निकली ICF और LHB कोचेस कहते हैं। ICF पुराने जमाने का कोच है और LHB नए जमाने का एडवांस्ड कोच है। ICF चलते समय बहुत साउंड करता है 100 डेसिबल पे और LHB चलते समय बहुत कम साउंड करता है 60 डेसिबल पे, जिसके चलते यात्रियों का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। ICF चलता है तो 120-140 के स्पीड तक चलता है और LHB चलता है तो 160-200 के स्पीड पे चलता है। पुराने वाले ब्लू ट्रेन्स में ब्रेक होता है एयर ब्रेक, ये ICF वाले में। और जो आप नया LHB लाल वाला बॉक्स देखते हो जो राजधानी ऐसे ट्रेन्स में होता है, उसमें डिस्क ब्रेक होता है, जिसके चलते ये रेड वाले बॉक्सेस में ब्रेक्स जल्दी लगती है। तो ट्रेन की कीमत जानेंगे हम लोग। तो एक ऐसा ट्रेन जिसमें पूरा रेड कोच हो जैसे राजधानी, इसका कॉस्ट अलग आता है। पहला, पुराने ब्लू ट्रेन का कीमत, तो ये उसका लिस्ट। पुराने ब्लू ICF कोचेज में जनरल कोच 72 लाख का होता है, स्लीपर कोच 80 लाख का होता है, थर्ड AC कोच 1.5 करोड़ का होता है और नए वाले LHB कोच में स्लीपर कोच होता है 1.68 करोड़ रुपए का, AC 3 टायर होता है 2.3 करोड़ और AC 1 टायर और 2 टायर होता है 2.2 करोड़। और एक ट्रेन में इंजन के साथ साथ 15-20 कोचेज होते हैं और एक रेलवे इंजन जो आप देखते हो उसका कीमत होता है 12-18 करोड़ के बीच में। मीन्स पुराना वाला ICF कोच वाला ट्रेन का कॉस्ट अगर हम लोग निकाले तो वो होगा 35-40 करोड़ के बीच में और नया वाला रेड वाला LHB कोच से बनी ट्रेन की कीमत है 50-60 करोड़ के बीच में। और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा बहुत लोग कोच को बॉगीज बोलते हैं, बॉगी, तो इनको एक्चुअली कोच ही कहा जाना चाहिए और यही इसका करेक्ट टर्म है। बॉगी भी होता है बट ये जो लोहा देख रहे हो आप जिसपे ये कोचेस सेट रहता है, इसको बॉगी कहते हैं, जिसके ऊपर रहता है कोच, तो बॉगी मतलब ये होता है। जो लोग कहते हैं मैं बॉगी में बैठने जा रहा हूँ, वो बॉगी में ये लोहे के ऊपर थोड़ी बैठेंगे, तो एक्चुअली इसको कोचेज ही कहा जाना चाहिए क्योंकि बॉगी इस लोहे के पीस को कहते हैं। वैसे क्या आपको ट्रेन में सफर करना पसंद है, नीचे कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।